फ्रेंड जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम ये प्यारी सी युगल सरकार के लिए पोशाक बनाएंगे और ये मैंने विंटर स्पेशल बनाई है। ये वेलवेट की बनी है, बहुत ही हैवी और बहुत ही प्यारी बनी है जैसे आप देख रहे हो, और बहुत आसान विधि से बनाई है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने ये पेपर लिया है और इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हमें ये लेंथ हमने इसकी 6.5 रखी है, ठीक है। और ये हम देखिए 1/2 इंच इससे ऊपर से ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे पॉइंट पे निशान लगाएंगे और नीचे से हम 2 इंच लगाएंगे। तो हमने ये फोल्ड करके रखा है तो ये मेरी 4 इंच हो गई, ठीक है। तो इधर से हमने 2 इंच लगाया। अब इसको और इसको हमें जैसे ड्रॉ करके मिलाना है, तो हम ये देखिए ऐसे करके स्केल लेंगे और स्केल से हम यहाँ पर ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हमने ड्रॉ कर ली तो मेरी एक कली जैसे निकल आई है। अब इसको हमें कट कर लेना है, तो हम इसको कट करके पहले निकाल लेंगे। अब देखिए ये कली निकल आई है। अब इसको हम ये वेलवेट का हमने कपड़ा लिया है और इस पर हमें इसको कट करना है, तो इस पर हमें वर्क करना है। देखिए हमने वेलवेट का कपड़ा लिया है। अब हम सबसे पहले इसको इसमें जस्ट नहीं काटेंगे क्योंकि हम इसमें बकरम लगाएंगे। तो आप चाहे तो अगर बकरम नहीं लगा सकते तो ऐसे ही कट कर सकते हो, लेकिन हम इसमें बकरम लगा के ये करेंगे। तो पहले हम बकरम पे कट करेंगे कलियों को। ये देखिए हमने ये पेस्टिंग बकरम लिया है, एक साइड से ये चमक रही है, एक साइड से ये बिल्कुल कपड़े जैसी है, इसे हम बकरम कहते हैं। पेस्टिंग बकरम होती है, हार्ड वाली है। और इसको अब हमें देखिए ड्रॉ करना है, तो हम ऐसे करके बस जो हमारी कली है उसको हमें ड्रॉ करना है, तो हम ये ऐसे करके पूरा ड्रॉ करके निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक कली निकाली। अब इसको अपोजिट रखना है, इस तरह से हमने पहले ऊपर से किया है, अब नीचे से रखेंगे। तो नीचे चौड़ाई कम है अब देखिए, और ऊपर अब ज़्यादा हो गई। अब नीचे हमने 1 इंच कर दी है और ऊपर मेरी 4 इंच है। तो ऐसे करके हमें कलियां सब निकालनी है, इससे कपड़े की वेस्टेज नहीं होता है कपड़ा, और आसानी से हमारे कलियां निकल आती हैं। तो हम इस तरह से पूरी ये हम जितनी हमें कलियां चाहिए उस हिसाब से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो हम ऐसे ड्रॉ करके पहले निकाल लेंगे और इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये कलियां निकाल के और इसको प्रेस कर लिया था, तो ये देखिए इस तरह से मेरी कलियां अलग अलग निकल आई हैं, आप जैसे देख रहे हो। तो ये मैंने पूरी 6 निकाली क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है कुछ ज़्यादा है, तो ये देखिए हम पूरी 6 इसमें यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें हम इसको डेकोरेट करेंगे, उसके लिए हम हैवी लेस लिया है हमने, तो मैचिंग का ही रेड कलर का वेलवेट का, ये देखिए वेलवेट का लेस है और बहुत प्यारा सुंदर सा है। अब इसको हमें इसमें अटैच करना है, तो देखिए हमें ये ऐसे रखना है, तो ये इस तरह से आएगा और फिर इसमें हम ऐसे ऊपर एक पतली लेस लगाएंगे, एक नीचे से लगाएंगे। तो ऐसे करके हमें अटैच करना है और साइड से कट कर लेना है। देखिए इस तरह से ही रखेंगे और रखने के बाद जो डायगनल आ रहा है इसको हम कट करके ऐसे करके निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने कट करके निकाल ली। अब इसमें हम पतली लेस लगाएंगे, तो हमने ये ऐसे डिज़ाइन वाली लेस ली है और ये बहुत ही पतली है जैसे आप देख रहे हो। इसे लहंगे का गेटअप बहुत अच्छा आएगा। तो ऐसे करके हम ये देखिए उल्टा है और ये ऐसे करके ऊपर रखेंगे और एक नीचे रखेंगे, ऐसे करके अटैच करेंगे। अब सिलना आपको बताते हैं। तो देखिए हमने एक ऐसे कली अटैच करके रख ली है और इसी तरह से हमें सब अटैच कर लेना है। तो हमने ये देखिए कली ली है और कली में हम ये अब पहले लेस अटैच करेंगे, तो लेस हमें अटैच करना है। तो ऐसे देखिए डायगनल है, तो हम ऐसे करके ये देखिए जो हमारी डायगनल हमने कट की है उसको हमें ऐसे करके फोल्ड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने सीधा और लेस रखी है, उसके ऊपर हम ये सीधा रखेंगे और इसको पहले सिल लेंगे। ये हमारा जैसे जो नीचे का किनारी है वो सेफ हो जाए, तो हम पहले इसको अटैच कर लेंगे और उसके बाद हमें इसको फोल्ड करना रहेगा।
तो देखिए अब हम इसको सीधा लाएंगे, ये ऐसे बैक था, अब इसको हमें सीधा लाना है। सीधा ला करके हमें यहाँ पे इसको ऐसे करके अब यहाँ पे हम सिलाई करके और लेस लगा देंगे जैसे मैंने मेथड से बताया, और पहले हम इसको अटैच करके सिल लेंगे। ठीक, देखिए इस तरह से हमें इसको पहले अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने अटैच कर लिया है, अब जो लेस है एक्स्ट्रा उसको हम कट करके निकाल लेंगे। इस तरह से ये निकल गई, और अब हम इसको इसमें जो पतली लेस है उसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए दो कलियाँ हमने ऐसे अटैच कर ली हैं, अब ऐसे करके हमें ये अटैच कर लेना है। तो देखिए बराबर से रखते हुए अब हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो देखिए जैसे हमने तीन कलियाँ जोड़ी हैं, तीन हमने एक्स्ट्रा और जोड़ ली हैं, अब इसको हमें देखिए अटैच करना है। बस दोनों जो पार्ट हैं उनको हम ऐसे करके ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसे करके हम दोनों पार्ट सिल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी सब कलियाँ जुड़ गई हैं। अब इसमें कमर पट्टी लगाएंगे, तो पहले सबसे पहले यहाँ पे ये टिश्यू लेस लिया है, इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें ये साइड में अटैच कर लेना है। तो हम ये इस तरह से रखेंगे और इसको साइड में अटैच कर लेंगे, जैसे मेरा इधर से भी सेफ हो जाए कपड़ा। तो हम ऐसे करके ये पूरा अटैच करके इसको सिल लेते हैं। तो देखिए अब हमें कमर का नाप लेना है, तो ऐसे करके नाप लेंगे, गोलाई में पूरा नापना है। तो ये हमारी 4.5 आ रही है, ठीक है, और 4.5 का हम कहते हैं एक्स्ट्रा लेंगे। और ये कमर पट्टी के लिए देखिए हमने वही वेलवेट का कपड़ा लिया है, जिसकी देखिए चौड़ाई हमने 6 इंच ली है और इसकी लेंथ हमने 2.5 इंच ली है। ये देखिए पूरी 2.5 इंच है। अब इसको हमें फोल्ड करके और अटैच कर लेना है, ऐसे एक साइड से फोल्ड करेंगे और उसको अटैच और नीचे से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद ही हमें यहाँ पे कमर लगाना है, कमर लगा के पहले हम सिलाई कर लेंगे, फिर बैक में जाकर हम इसे हैंग करेंगे। तो हम ऐसे करके पहले सिल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हो गया है। अब इसको हमें फोल्ड करके और यहाँ पे अब हम ये ऐसे फोल्ड करेंगे, डोरी डालेंगे। डोरी डाल के यहाँ पे या तो आप सिलाई चला लो या हेमिंग कर लो। तो हम इसमें हेमिंग कर लेंगे और हेमिंग करके और ये मेरा लहंगा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। ब्रदर रानी का ब्लाउज बनाएंगे, उसके लिए हम देखिए इसकी चौड़ाई ले रहे हैं, तो ये 2.5 इंच है और इसकी लेंथ हम ये 4.5 इंच लेंगे, ठीक है। तो आप अपने राधा रानी के अकॉर्डिंग ही चोली का लीजिएगा। तो हम ये फुल स्लीव बनाएंगे और ये हमने बेस लिया है, और अब इसको हमें फोल्ड करके और इधर से सिलाई कर लेनी है। और दोनों तरफ से हम सिलाई कर लेंगे, जैसे तीन साइड सिलाई करना है, एक साइड नहीं करना है। तो हम इधर साइड नहीं करेंगे, एक साइड नहीं करना है और तीन साइड हम सिलाई कर लेंगे। तो हम पहले कर लेते हैं। तो देखिए हमने तीन साइड सिलाई कर लिया है, अब इसको हमें फोल्ड करना है। तो हम ऐसे करके फोल्ड करके सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद फिर हम इसका जो पार्ट है उसको सही कर लेंगे। तो ये ऐसे करके देखिए अंदर करके हमें एक सिलाई और कर लेनी है। तो हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे और इसमें भी एक सिलाई चला लेंगे, जिससे ये मेरा कपड़ा अंदर से सेफ हो जाएगा। तो हम ये ऐसे करके सिलाई चला लेंगे इसमें भी। तो ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट भी चोली का कम्प्लीट कर लेना है। अब देखिए जो हमने सिला है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद
हम इसमें शेप देंगे और शेप देने के बाद इसको हमें फिर इसी पे सिलाई कर लेनी। तो ऐसे हमें दोनों पार्ट को कंप्लीट करना है, तो हम पहले एक पार्ट करेंगे, ऐसी सेम प्रोसेस से हम दूसरे पार्ट को भी कर लेंगे। ये देखिए मेरा 1 इंच है, इधर से हमने हाफ लिया है, फिर हमने इसको यहाँ से हमने 1 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है उतना हमने छोड़ा है और अब इसको हम सिल लेंगे। तो ये देखिए हम ऐसे करके पहले रखेंगे, तो दोनों को पहले हमें अटैच कर लेना है, तो हम पहले दोनों को अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद ये हमने अटैच कर लिया है दोनों, देखिए हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब इसमें हम जो मेरा स्लीव की तरफ है वहाँ हम लेस लगाएंगे, तो इस तरह से हम ये पूरा लेस लगा करके और इसको कट कर लेंगे। तो हमने ये मिड में जैसे आए उतना ही लेस लगाया है, हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया है, तो ये हमने ऐसे कट कर लिया। अब हम यूँ ऐसे रखेंगे तो जहाँ मेरा स्लीव आएगा उतना ही हमने देखिए लेस लगाया। अब यहाँ पे हम इसमें सिलाई कर लेंगे, तो ऐसे ही हम दोनों पार्ट का सिलाई कर लेंगे और ऐसे करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने देखिए ऐसे दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब नीचे हम कमर पे ये ऐसे हमने ये जो बेस लिया था उसी को हमें ऐसे फोल्ड करना है 2 इंच। तो देखिए ऐसे करके हम पहले ऐसे फोल्ड करेंगे एक साइड से, और हमने उससे चोली का जो चौड़ाई है उससे हमने एक्स्ट्रा लिया है, और लेने के बाद अब पहले सबसे पहले यहाँ अटैच कर लेंगे यूं करके, हमें फोल्ड करके अटैच करना है, फिर बैक में हम इसको हेमिंग करना है हमें। तो देखिए इसको अटैच करने के बाद हम इसको बैक में फोल्ड करके और जैसे हेमिंग करते हैं, ये तो आप सिलाई कर लो या हेमिंग कर लो, आपको जैसे सूटेबल लगे आप उसको कर सकते हो। तो ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे और बैक में चिट पटन लगा लेंगे। तो ऐसे करके हम कंप्लीट कर लेंगे पूरी चोली। तो देखिए धोती का हमें लेंथ लेनी 5.5 हमने ली है और 15 इंच हम इसकी चौड़ाई लेंगे। और अब इसमें हमें धोती का शेप देना है, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे 3 इंच यहाँ निशान लगाएंगे एक साइड से, ठीक है। और ये अब यहाँ से हम ऐसे देखिए हमें डायगोनल रखना है, तो हम यहाँ पे ऐसे हमें ये निशान लगाना है डायगोनल से। तो ये हम देखिए साढ़े यूँ करके हमें नाप लेनी है, तो देखिए हमारी ये 5 आनी चाहिए, तो हम यहाँ से ऐसे 5 इंच तक हमें निशान लगा लेंगे डायगोनल। और डायगोनल लगा करके अब इसको हमें कट कर लेना है, तो अब ये हम कट करके निकाल लेंगे। अब देखिए लेस लेनी है और लेस लेके हमें ऐसे करके डायगोनल में लगाते हुए हमें ये ऐसे कंप्लीट करना है, और ऐसे करके हम ये बैक से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये ऐसे करके यहाँ पे हमें यहाँ तक हमें लेस लगा लेनी है, तो हम अब लगा लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो देखिए हमने एक साइड ये सिल दिया है और जिधर हमने कट किया है वहाँ हमें लेस लगाना है, ऊपर साइड हमने फोल्ड करके सिला है। और अब यहाँ पे हम जहाँ हमने कट किया है वहाँ पे हम लेस लगा लेंगे। तो देखिए हमने एक डबल लेस और लगा दी है फ्रंट में। अब ऐसे करके प्लीट्स बनानी है जितना हमने डायगोनल फोल्ड किया है, 5.5 हमने कट किया था डायगोनल में उतना हमें ये फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करके और यहाँ पे अब हमें ऐसे स्टिच कर लेना है, तो जैसे हम साड़ी की प्लीट्स बनाते हैं वैसे ही हमें इस प्लीट्स बनानी है। देखिए इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए ये ऐसे प्लीट्स बनेगी और इसी पे हमें सिलाई चला लेनी है। तो ये मेरी एक जगह ये धोती का ये प्लीट्स एक जगह इकट्ठी रहेगी, तो हम इस पर अब सिलाई चला लेंगे। तो देखिए हम बैक में आएंगे और बैक में हमें नीचे से ऐसे प्लीट्स बनानी है, और ऐसे करके ऊपर नीचे करते हुए प्लीट्स बनाते हुए हमें इसको अटैच करना है, और ये ऊपर जाके अटैच होगी। ये देखिए इस तरह से ये ऊपर जाएगी, जहाँ हमने लेस लगाई वो ऊपर जाके यहाँ पे हम इसको सिल लेंगे। तो ऐसे करके हमने ये देखिए अटैच कर लिया और ये हम जैसे पक्का कर लेंगे, 2 सिलाई चला लेंगे।
अब इसमें हमें वॉलक्रू लगानी है जिसे आसानी से आप ठाकुर जी को पहना सको। तो देखिए कुछ इस तरह से ये गेटअप आया है धोती का, ऊपर की तरफ ये पूरी बैक में चली गई है। अब ये वॉलक्रू लिया है, वॉलक्रू हमारे देखिए एक तरफ रफ होता है एक तरफ सॉफ्ट होता है, तो जो रफ वाला है वो हम बैक में लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे अब इसको हमें अटैच कर लेना है, तो हम यहाँ पे पहले अटैच कर लेते हैं। अब देखिए हमें सॉफ्ट वाला एक हमें यहाँ पे रखना है, हमने ये जो प्लीट से फ्रंट में बनाई थी वहाँ से हम एक इंच बैक में आएंगे और देखिए यहाँ से ऐसे आएंगे और ये एक हमें यहाँ पे रखना है, एक जस्ट उसके थोड़ी बगल में रखना है। तो ये हमें दो सॉफ्ट वाले लगाने हैं, तो हम इसको अटैच पहले कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने लगा लिया है। अब ये देखिए हमें एक ऐसे करके हम देखिए नापेंगे, तो यहाँ पे अब हमें एक और लगाना है, ठीक है, तो इसको हम लगा लेते हैं, इसको भी हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है और बहुत प्यारी ड्रेस लग रही है जैसे आप देख रहे हो। और मैंने स्टोन इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर गोल्डन कलर का लगा दिया है और इससे और गेटअप बहुत सुंदर आ रहा है और बहुत हैवी ड्रेस बनके तैयार हुई है। आप इसको फेस्टिवल स्पेशल ठाकुर जी के लिए, युगल सरकार के लिए बना सकते हैं। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे आपको ऐसी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।